देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद थाना कोतवाली लोनी पुलिस ने फर्जी एनजीओ बनाकर ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा। गैंग में दो महिलाएं दो पुरुष शामिल हैं। मेडिकल स्टोर पर जाकर उगाही करने का किया करते थे कार्य, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सर, लोनी पुलिस ने एक एनजीओ को पकड़ा है जो कि ब्लैकमेलिंग में काम करती है। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या कुछ इनसे बरामदी मिली है, किसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई? कल दिनांक 17 मई को थाना लोनी पर एक मेडिकल स्टोर द्वारा यह शिकायत की गई थी। कुल चार लोग उनकी दुकान पर आए। उन्होंने अपने आप को एक मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए उन पर आरोप लगाया कि आप नकली व प्रतिबंधित दवाएँ बेचते हैं और मामले को रफा दफा करने के एवज में अवैध रूप से 50,000 रुपये की मांग की। इस संबंध में इन्होंने हमें शिकायत दी। FIR पंजीकृत कर चार जो अभियुक्तगण हैं गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इसमें महिलाएं भी शामिल हैं? नाम उनका, महिलाओं का नाम भी शामिल है? कुल दो पुरुष हैं, दो महिलाएं हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या ये गैंग NCR में सक्रिय था या फिर लोनी एरिया में टारगेट किया गया? और इन लोगों ने किन किन दुकानों पर जाकर इस तरह के प्रयास किए हैं, इस तरह की मांग की है, इस संबंध में हम विस्तार से जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद इसको भी विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।